जय हिंद दोस्तों, जय जोहार जम्मू संगवारी मल्ला। आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है और आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, GUI। ठीक है, GUI का पूरा नाम, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है तो GUI का पूरा नाम ही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। का प्रारंभ किया था, इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जेरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था GUI का प्रारंभ, तो याद रखेंगे 1970 में जो GUI है इसका प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो जेरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। जेरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका जो प्रारंभ है ये किया गया था। ठीक है, अनुसंधान जो प्रयोगशाला है, जेरोक्स जो है ये अनुसंधान प्रयोगशाला का ही नाम है, इसी प्रयोगशाला में ये जो GUI है इसका प्रारंभ किया गया था। जेरोक्स प्लेटो पूरे, मतलब इसका जो पूरा नाम है वो है जेरोक्स पैलो ऑटो, इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, जेरोक्स पैलो ऑटो अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था, या जिसे बहुत लोग कहते हैं 3.0 जो संस्करण है या जो वर्जन है, जो सीरीज है, ये कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, एंड 1992 एंड 1993 में। तो जो 3.0 है इसके पहले भी दो संस्करण आ चुके थे। ठीक, पहले तो हम इसको डील करते हैं कि 1990 में ये जो 3.0 संस्करण है विंडोज़ का ये जारी किया गया था। इसके पहले भी और जो संस्करण है ये आए थे, 2.0 आया था, 1.0 आया था, ये सभी भी इसके पहले आए थे। सबसे पहले कब आया था, तो ये 1985 में आया था। ठीक है, जो विंडोज 1.0 या 1.0 हम पढ़ते हैं, ये संस्करण सबसे पहले आया था 1985 में। इसके बाद 2.0 आया, या जैसे आप 2.0 के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आया विंडोज 3.0 संस्करण। ठीक है, और ये कब आया, तो ये 90 के दशक में आया, 1990 में। और अभी हम वर्तमान में हम विंडोज 10 जो वर्जन है या जो संस्करण है इसका प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत पुराना संस्करण आप कह सकते हैं, क्योंकि 1990 के टाइम में, मतलब बहुत पहले आया हुआ ये संस्करण है, 1990 में ये जारी किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। उसमें चेंजेस करके, उसमें परिवर्तन करते करते आज हम क्या किस विंडोज़ का प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं विंडोज़ 10 का। ऐसे आप लोगों को ये जो सीरीज़ है इसके जो सन होते हैं या जो डेट होता है ये पता होना चाहिए कि किस सन में या किस डेट में कौन सा जो विंडोज़ है इसका सीरीज़ आया या इसका वर्जन कब आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो GUI होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है, आपने मॉनिटर, आपका जो डेस्कटॉप है आपने उसको ऑन किया, या लैपटॉप जो है आपने ऑन किया, तो आपको छोटे छोटे कुछ बटन्स के साइज़ के छोटे छोटे आपको फोल्डर्स बने हुए दिखते हैं। ठीक है, या आप उसे फाइल कह सकते हैं, या आप छोटे छोटे एकदम, मतलब उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप आइकन कहते हैं। जैसे ही आप वो पूरा एक बंच होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो फाइल्स होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसमें ही होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, आइकन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। उसे आप जो छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है इसे ही आप आइकन्स कहते हैं। ठीक है, और आइकन्स जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं, किसी भी लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो छोटे छोटे बटन्स के साइज में आपको जो भी चित्र दिखाई देते हैं उसे भी आप आइकन ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है। देखिए, आपको पता है कि आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं तो वो फाइल के रूप में सेव होती है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में सेव हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा ये एक फाइल है, ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है ये शो हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट के संबंध में क्या चीज़ें सही हो सकती, एक फाइल के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो सही होंगी। ऑप्शन ए कहता है कि खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। तो जब आप किसी फाइल का नाम सेव करते, केवल नाम के बारे में पूछा गया है कि जब आप किसी भी फाइल का नाम सेव करते तो वहाँ पे ब्लैंक स्पेस भी आप दे सकते हैं, ये होता है। आपने कभी भी कंप्यूटर अगर यूज़ किया होगा तो आपने जब कोई भी फाइल का नाम सेव किया होगा उसमें खाली स्पेस को भी, मतलब खाली स्पेस भी होता है। ठीक है, नाम के साथ साथ खाली स्पेस भी होगा। इसके साथ साथ सेकंड है कि विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है विशेष चिन्ह किसको कहते हैं, जैसे
आप एट द रेट का यूज करते हैं, हैश का यूज करते हैं, तो इन सभी का प्रयोग आप इसमें फाइल का नाम सेव करते समय बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे आप विशेष चिन्ह कहते हैं, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और आपको पता होगा ये एकदम बेसिक है कि सबसे अधिकतम से अधिकतम मतलब 255 जो कैरेक्टर्स होते हैं इनसे ज़्यादा आप किसी फाइल का नाम सेव नहीं कर सकते। अगर मेरा नाम है, अगर मुझे मेरे नाम का कोई फाइल बनाना है, फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी चैप्टर के नाम का फाइल बनाया, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, ये मैंने एक फाइल का नाम रखा, तो इसमें जितने वर्ड्स होंगे, जितने कैरेक्टर्स होंगे, उस कैरेक्टर की गिनती 255 से कम होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम आप केवल 255 कैरेक्टर को ही एक फाइल के नाम के तहत सेव कर सकते, इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो उस नाम से सेव होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी केवल फाइल नाम के संबंध में पूछा गया है कि फाइल नाम जो होता है या फाइल नेम जो होता है इसके संबंध में क्या सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो, ए बी एंड सी तीनों ही क्या है, सही है। 255 कैरेक्टर का ही प्रयोग आप मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें चली जाती। आप विंडोज़ जब यूज़ करते हैं तो बहुत सारी फाइलें होती हैं आपके पास, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उसको एक टाइम पर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे आप डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद वो कहाँ स्टोर होती है, तो वो अब एक उनके पास भी एक मेमोरी होता है कंप्यूटर। आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा कि मेमोरी जो है कितने प्रकार की होती है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, इसके तहत और कितने कितने प्रकार आते हैं। आपने रोम पढ़ा होगा, रैम पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती है। आपने मोबाइल यूज़ किया होगा, मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर आप समझ सकते हैं। जब आप अपने फ़ोन में किसी चीज़ को डिलीट करते हैं वो कहाँ चले जाता है, वो जाता है रिसाइकल बिन में। आप वहाँ से चाहे तो उसको मतलब खुद बाद में भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसाइकल बिन में वो चले जाता है, जिसको आप पुनः वहाँ पर जाके फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है कंप्यूटर देता है। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स भी ऐसे हैं कि आप वहाँ से जाके 30 डेज या फिर उसमें टाइम रहता है, एक लिमिट रहता है, उतने दिन तक आप उसको सेव कर सकते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो पिक्चर्स हैं उनको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, विंडोज़ में जो डिलीट की गई फाइलें होती हैं उनको आप रिसाइकल बिन से वापस से देख सकते हैं या रिसाइकल बिन में वो जाकर सेव हो जाती है। डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए। अच्छा, जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या कोई डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट स्विच बोर्ड को मतलब कहते हैं कि ना स्विच बोर्ड को डायरेक्ट ऑफ नहीं कर सकते, या जो स्विच है आप डायरेक्ट उसको ऑफ नहीं करते। क्यों नहीं करते? इससे कंप्यूटर को जो है हानि पहुँचती है या हार्म होता है कंप्यूटर को। आपके पास वहाँ पर ऑप्शन होता है, आप पहले जाते हैं उस ऑप्शन में, वहाँ से शट डाउन करते हैं, उसके बाद ही वहाँ से आप लॉग आउट होते हैं, और लॉग आउट होने के बाद ही आप स्विच को ऑफ करते हैं। कंप्यूटर को जब आप बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद करते हैं, तो शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, वहां से आप लॉग आउट होते हैं, उसके बाद ही आप कंप्यूटर से बाहर या कंप्यूटर को यूज करना बंद कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको सप्लाई बंद नहीं करना है, जो स्विच बोर्ड है वहां से डायरेक्ट सप्लाई को बंद नहीं करना है या प्लग को बाहर नहीं निकालना है। ये गलती आप कंप्यूटर में कभी नहीं करेंगे। कंप्यूटर को यूज करते टाइम बिल्कुल ही लिक्विड चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर जहाँ है वहाँ पर कॉलिन का प्रयोग आप नहीं करते हैं। कंप्यूटर को जितना ज़्यादा हो सके धूल रहित कमरे में रखा जाता है, ठीक है। तो ये सभी बेसिक आपको पता होगा। और कंप्यूटर को जब बंद करना होता है तो पहले आप शट डाउन लॉग बॉक्स में जाते हैं, उसके बाद वहां से लॉग आउट होते हैं, तभी कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है। कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है भाई, कंप्यूटर यूज नहीं करना है तो आपको बंद उसको करना है। फालतू में क्यों आप कंप्यूटर को उतने टाइम तक ऑन रखेंगे, लॉग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये नहीं होगा, बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। सेवंथ ऑफ क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। आपने अपने मोबाइल में भी कॉपी कट किया होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी को कोई चीज़ भेजना है, फॉरवर्ड करना है, तो आप पहले क्या करते हैं, पहले आप कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप जिस चीज़ को भेजना चाहते हैं वो आपके क्लिपबोर्ड पर आता है, क्लिपबोर्ड से आप उसको पेस्ट करते हैं ना। तो इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेम कंप्यूटर के जैसा ही आप मोबाइल फ़ोन को भी यूज़ कर पाते हैं, तो क्लिपबोर्ड में वो जो है वो पहले से रखी हुई होती है। कट करने के लिए कौन सा आप शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कट करने के लिए आप
कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं, इससे जो भी चीज़ आपको कट करनी है वो आप वहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए सभी को पता होगा कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है, और उसी को पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट कीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लिप बोर्ड पर पूर्व से रखा जाता है या पूर्व में वहाँ पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है। अब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, बहुत बेसिक है, सभी को पता होगा कि हार्डवेयर का प्रयोग किस लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए करते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांड्स जो होते हैं और जो ऑप्शंस होते हैं, इसकी सूची को आप क्या कहते हैं, इसकी सूची को आप कहते हैं टूल बार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब जो सूची होती है, ये सभी का जो लिस्ट होता है वो टूल बार में होता है। लेफ्ट साइड पर जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो लेफ्ट साइड पर आपको टूल बार जो है ये शो होता है, एक आइकन के रूप में शो होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये आपको पता होगा कि ये जैसे हम पढ़ते हैं हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि हार्डवेयर एक शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। जैसे हम पढ़ते हैं, हमारे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हमारा बॉडी भी ज़रूरी है और हमारी आत्मा, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर के लिए भी हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ उसको पूरी तरीके से संचालित करने के लिए, पूरी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी जो चीज़ है वो वर्क नहीं कर सकती। इवन आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते तो ये बिना सॉफ्टवेयर के चल ही नहीं सकता, है ना, नहीं चल सकता, नहीं चला सकते ना आप इसको, सेम वैसे ही। और जो कमांड्स होते हैं, जिन कमांड्स के थ्रू आप किसी भी ऑपरेशन को एक्सेस कर पाते हैं, कोई भी जो कमांड है इसके ही थ्रू होगा कोई चीज़ जो आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जो ऑप्शंस होते हैं, इनकी जो पूरी लिस्ट होती है वो कहाँ पर होती है, वो टूल बार में शो होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। वैसे ही टाइटल बार, टाइटल बार क्या होता है, तो ये भी आपको ऊपर में एक पट्टी की तरह दिखाई देती है, टाइटल बार जिसे आप कहते हैं, वो शीर्षक, टाइटल का हिंदी में अगर आप देखें तो ये शीर्षक होता है। ठीक है, टूल बार को आप और भी नामों से जानते हैं, जैसे यहाँ पर तो हमने टूल बार देखा। ठीक है, टूल बार को और किस किस नामों से जाना जाता है, तो टूल बार को आप स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या आप इसे स्टैंडर्ड टूल बार कह लीजिए, या आप इसे क्विक एक्सेस टूल बार भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। ये सभी टूल बार में होते हैं। 9th क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है। देखिए, आपको कोई चीज़ अगर हार्डवेयर के रूप में चाहिए होती है, जैसे आपको कंप्यूटर में मान लीजिए कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जो फाइल है, ये मुझे हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, तो मुझे इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। जैसे आप स्टडीज करते हैं तो आप उसको प्रिंट करवा के पढ़ते हैं, मैम आप कहते हैं ना कि मैम इसकी जो हार्ड कॉपी है वो हम निकाल सकते हैं या नहीं, या इसको हम हार्ड कॉपी के रूप में पढ़ सकते हैं या नहीं, तो जो हार्ड कॉपी होती है वो उसको आप प्रिंट के थ्रू ही निकाल सकते हैं। अब जो प्रिंट के थ्रू आप निकालते हैं वो कैसे होता है, तो वो फाइल के थ्रू होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा मेन्यू चुना जाता है, तो फाइल मेन्यू को आप चूज करते हैं, वहां से आपको जो कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो कोई भी चीज अगर आपको वहां से निकालनी है, प्रिंटर से निकालनी है, तो आप वहां से उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। फाइल में जाकर आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री फाइल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फाइल्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप फाइल को चूज़ करते हैं। अगर आपको सब कुछ को निकालना है तो आप ऑल को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को क्लिक करके आप जितना भी डॉक्यूमेंट है या जितना भी फाइल का जो भी कंटेंट है वो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब आप करंट पेज पर होते हैं तो जो करंट पेज पर होगा वहाँ पर केवल वर्तमान में जितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको निकालनी है या जिसको आपको हार्ड कॉपी निकालना है वो आप कर सकते हैं। प्रिंटर किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो आप प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन है उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। ठीक है, दस्तावेज किसको कहते हैं, फाइल को कहते हैं, और जो फाइल को नाम दिया जाता है उसे आप फाइल नेम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। फाइल नेम के लिए भी रूल्स होते हैं, रूल्स भी हमने देखे कि 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। स्पेशल सिंबल्स का आप वहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लैंक स्पेस वहाँ पर हो सकता है, आप खाली स्थान वहाँ पर दे सकते हैं। ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है या जिस फाइल को जो नाम देता है उसको आप फाइल नेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है, जिस कमांड का आप यूज करते हैं उस कमांड को आप न्यू कहते हैं। नया फाइल बनाना है तो आप जाहिर है कि न्यू का ही प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू का प्रयोग करते हैं। किसी भी फाइल को आप अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप सेव का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट की इसके लिए है Ctrl+S। ठीक है, आपको मौजूदा फाइल को फिर से किसी और नाम से सेव करना है या फिर उसी नाम से भी सेव करना है, आप अलग नाम देना चाहते हैं, तो आप सेव एज का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू का प्रयोग आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी फाइल जो होती है इसके साथ ही साथ आपने एक्सटेंशन देखा होगा। अब एक्सटेंशन का प्रयोग किस वजह से किया जाता है, और हर किसी भी कंप्यूटर में अगर आप कोई भी एमएस का प्रयोग करते हैं, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग करते हैं, तो सभी के लिए अलग अलग तरीके से एक्सटेंशन का प्रयोग भी किया जाता है। लाइक अगर मुझे डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ बनानी है तो मैं अगर उसको सेव करूँगी तो वो .doc के रूप में सेव होगा या .docx के रूप में सेव होगा। वहीं पर अगर मुझे एक्सेल का कोई फाइल सेव करना है या एक्सेल को अगर मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो वो XLSX के रूप में सेव होता है। पावर पॉइंट का करना है तो PPT.PPTX के रूप में सेव होता है। तो इसको पूछा जा रहा है कि फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है तो क्यों किया जाता है। फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। अगर मैंने मान लीजिए कि Chapter 1, ठीक है, Chapter 1 मेरे फाइल का नाम है और मैंने उसको बनाया है MS Word में, डॉक्यूमेंट में बनाया है। ठीक, अब मैंने अगर उसको डॉक्यूमेंट में बनाया है तो मुझे उसको सेव करने के लिए या मुझे उसको पहचानने के लिए वहाँ पर, जैसे अगर चैप्टर वन है ना, तो मैंने उसको सेव किया उस नाम से, चैप्टर वन के ही नाम से अगर मैंने उसको सेव कर दिया, जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ मैं, चैप्टर वन के नाम से अगर मैंने उसको सेव कर दिया तो वो किस रूप में सेव होगा, वो होगा Chapter1.docx या .doc के रूप में सेव होगा। तो आप इसको पहचान सकते हैं कि ये जो फाइल है वो किस में बनी हुई है, ये जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट में बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर सेम चीज़ है और ये सेव हुआ है किस में, इसको मैंने बनाया है पावर पॉइंट में, ठीक है, इसको मैंने बनाया है पावर पॉइंट में और ये किस रूप में सेव होगा, PPTX के रूप में। तो आप इसको यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में सेव हुआ है या ये वहीं से बना हुआ है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को पहचान सकते हैं कि एक्सटेंशन को देख के ही आप पहचान सकते हैं। और वहीं पे अगर .xlsx के रूप में अगर वो सेव है तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये एक्सेल का है। तो कभी भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसको सेव करने के लिए आप किसका प्रयोग, पहचानने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं। एक्सटेंशन हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से सेव होता है। सेम वैसे ही अगर आपको किसी पिक्चर को सेव करना है तो वो JPG के रूप में सेव होता है। होता है, आपने अपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें ऐसे ही सेव होती है। अगर वो डॉक्यूमेंट में है तो वो .doc के रूप में सेव होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में है तो वो .pptx के रूप में, .ppt के रूप में वो सेव हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए आप एक्सटेंशन का प्रयोग या एक्सटेंशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट पूछा गया है, कभी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूछ दिया गया हो, या कभी आपको एक्सेल पूछ दिया गया हो, या कभी आपको पिक्चर जो इमेजेस है इसके बारे में पूछ दिया गया, तो आपको सभी का एक्सटेंशन पता होना चाहिए। यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट का पूछा है तो सभी को पता है .doc का आप प्रयोग करते हैं। अब कभी भी एक्सटेंशन जो है ना, ये फाइल नेम के बाद लगता है और डॉट के बाद लगता है। ऐसा नहीं होगी पहले एक्सटेंशन नेम लगेगा, उसके बाद डॉट लगेगा, उसके बाद फाइल लगेगा। ये आप एक सीक्वेंस में होगा, पहले फाइल का नाम रहेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था Chapter 1 .doc, ये ऐसे ही सेव होगा। अगर आप इसको गलत तरीके से सेव करना चाहेंगे तो ये डॉक्यूमेंट में सेव नहीं हो सकता, इसके भी रूल्स हैं। और वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, .doc या .docx का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा .doc। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है। देखिए कंप्यूटर में तो हम प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वैसे ही हम मोबाइल में जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, जो एप्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है, यह ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ता है। यहीं से आप उसका प्रयोग करते हैं, इंस्टॉलेशन जब आप करते हैं किसी भी प्रोग्राम का तो वो डायरेक्ट किस में जाता है, वो सबसे पहले ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जाता है, वहां से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये सबसे पहले किस में जाएगा, ये सबसे पहले जाता है ऑल प्रोग्राम्स मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा।
यहीं से आप जो आप प्रोग्राम है इसको आप देख सकते हैं या उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर जाएगी। किस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर जाती है? ऑप्शन ए कहते हैं कि मेन्यू बार पर, ऑप्शन बी कहते हैं टास्क बार पर, सी है टाइटल बार पर, एंड डी है स्टेटस बार पर, एंड ई ऑप्शन भी इसमें दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर चले जाता है। अब विंडो ऊपर जा रहा है मतलब टाइटल शीर्षक उसके लिए होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप टाइटल बार कहते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है, सबसे शीर्ष पर होता है, जिससे आप उसका शीर्षक देख सकते हैं, टाइटल आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेव करना है तो आप कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी फाइल को अलग से मौजूदा कहा जा रहा है, मतलब जिसका आप प्रयोग करते हैं वर्तमान स्थिति में, उसी का प्रयोग अगर आपको अलग से करना है या उसका नाम जो है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई नाम रखा इस चैप्टर का, इस फाइल का नाम रखा मैंने कंप्यूटर चैप्टर वन, ठीक है, इसका नाम रखा, अब मुझे इसको चेंज करना है क्योंकि इसमें मैंने कोई और चैप्टर जो है ये मर्ज कर दिया, तो कंप्यूटर चैप्टर 1, 2, 3 तीनों अगर मैंने मर्ज किया तो मुझे इसका नाम जो है ये चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, मैं जाऊंगी सेव एज जो है इसका प्रयोग करूंगी, और सेव एज में जाकर मैं क्या करती हूँ, इसका प्रयोग करती हूँ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो केवल सेव करना है, केवल आपको सेव करना है तो आप केवल किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आपको वर्तमान फाइल में अलग से कोई नाम ऐड करना है या फिर से उसी को उसी नाम से सेव करना है, उसी फाइल को सेम नाम से और सेव करना है, तो आप सेव एज का प्रयोग करते हैं। बार बार आप सेव एज का बटन क्लिक करते हैं, क्यों क्लिक करते हैं, ताकि जो नाम है उसको आप चेंज कर सके। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, फाइल के नाम के बारे में केवल पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कि फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, तो बिल्कुल सही है भाई, अगर मुझे डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरीके से कोई फाइल को सेव करना है तो उसका एक्सटेंशन तो सेम हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एक्सटेंशन सेम हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, एक्सटेंशन तो सेम होगा, डॉक्यूमेंट के जितने भी फाइल्स होंगे वो .doc एक्सटेंशन के रूप में ही सेव होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का अगर कोई फाइल है तो वो .pptx के रूप में ही सेव होगा, लेकिन अगर मुझे दो तरीके से या दो फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव करना है, एक्सटेंशन सेम होगा लेकिन दोनों फाइल के कंटेंट तो अलग अलग होंगे, दोनों फाइल का नाम अलग अलग हो सकता है, कंटेंट अलग अलग हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, फाइलों का नाम एक जैसा या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं होते हैं क्योंकि दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। फिर है, एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है, तो बिल्कुल एक ही फोल्डर में जो फाइल्स होते हैं अलग अलग तरीके से फाइल्स होते हैं और इनका यूनिक नाम भी हो सकता है। सी है, फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, तो बिल्कुल भाई फाइल के प्रकार को आप इससे जानते हैं, एक्सटेंशन से आप क्या जानते हैं, इसी से तो पहचान कर पाते हैं, इसी से तो आपको पता चल पाता है कि फाइल किस तरीके से सेव हुआ है और किस में सेव हुआ है और ये फाइल जो है ये किस प्रकार का है, तो ये तो होगा ही। डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा कि फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, डॉट से पहले नहीं आता है, डॉट के बाद आता है। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था चैप्टर वन, ठीक, चैप्टर वन कहा मैंने, चैप्टर वन के बाद मैंने डॉट का प्रयोग किया और डॉट के बाद मैंने DOCX या DOC का प्रयोग किया, तो आप देख पा रहे हैं कि पहले फाइल का नाम है, पहले फाइल का नाम है, उसके बाद डॉट का यूज़ किया है और उसके बाद डॉक एक्स या फिर PPTX या फिर XLSX का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से सेव करने के लिए आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, डॉट से पहले नहीं आता है, डॉट के बाद आता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये विद्यमान लिखा है, ये विद्यमान है ना, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है, क्या कहते हैं आप डॉक्यूमेंट का, ये की नहीं का होना चाहिए, ऑप्शन ए कहते हैं एडिटिंग कहते हैं, या फिर क्रिएटिंग कहते हैं, या फिर एडजस्टिंग कहते हैं, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको डायरेक्ट पूछ रहा है, बहुत ईजी है,
कि डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित आप कैसे करते हैं, एडिट करके करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ चेंज करना है तो आप एडिट के ऑप्शन पर जाते हैं, एडिटिंग करते हैं, तभी तो आप किसी चीज़ को चेंज कर पाते हैं, परिवर्तित कर पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। क्या कहते हैं आप उसको? एडिटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस में मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, जो पटवारी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम डील कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ही है, मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है, किसमें होती है? तो मैग्नेटिक डिस्क के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक डिस्क में आप पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क को पढ़ते हैं, हार्ड डिस्क को पढ़ते हैं। अब इसकी तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है, आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक डिस्क है ये 1 TB के ऊपर या 1 TB तक जो है उसका स्टोरेज क्षमता होती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया CD-ROM, फिर दिया गया है CD-RW या जिसे आप कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट कहते हैं, और लास्ट दिया गया है DVD-ND। ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जैसे हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं तो ये सेक्टर्स आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग सेक्टर में मैग्नेटिक डिस्क जो होगा ये अलग अलग सेक्टर में विभक्त रहता है या डिवाइड रहता है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में अगर ये होता भी है तो इसमें लगभग एक सेक्टर में 512 bytes इसमें स्टोर करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, और टोटल 1 TB के आसपास या उससे भी ज़्यादा। CD-ROM का आपको पता होगा, CD-ROM में कितने कितनी स्टोरेज क्षमता होती है, तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं CD-ROM में 600 MB से लगभग 700 MB तक इसमें जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है। ठीक है, 600 से 700। वहीं पर अगर आप CD-RW की बात करते हैं तो लगभग 650 से 700 के आसपास या 700 MB के आसपास इसमें स्टोरेज क्षमता होती है। ठीक, तो आपको क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस में मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है? तो यहाँ पर तो ये इससे कम हो जाएगा ना, तीनों ही ऑप्शन ये इससे कम हो जाएंगे। जैसे अगर हम DVD की भी बात करते हैं तो ये 4.7 GB से लगभग 17.08 GB तक स्टोरेज क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, और यहाँ पर एक्सेस करने की गति पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टोरेज क्षमता तो इतनी होती ही है, और मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सबसे अधिक एक्सेस करने की गति इसमें से किसी की भी नहीं होती है, किसी की भी नहीं, CD की भी नहीं होती है, DVD की भी नहीं होती है, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी किसी की भी नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में इसमें से किसी में भी अधिक गति नहीं होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हैं आपकी मैग्नेटिक डिस्क में ही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन नाम से ही समझ आ रहा होगा कि किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए आप सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आपको हम मतलब पिछले क्लासेस में आपने देखा होगा कि सर्च इंजन जो होता है, हर देश का अपना अपना एक अलग अलग सर्च इंजन होता है, हम उसी का प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए गूगल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन इसको माना जाता है, गूगल को। अब इसके अलावा हर देश के लिए, हर कंट्री के लिए अलग अलग तरीके से सर्च इंजन जो है ये प्रयोग किया जाता है। जैसे आप चाइना की ही बात कर लीजिए, ठीक, तो चाइना वाले केवल अपने सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अगर आप डकडकगो की बात करते हैं, याहू की बात करते हैं, गूगल की बात करते हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स हैं। सर्च इंजन क्या होता है? तो ये एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, फाइलों की खोज करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। सर्च इंजन कई प्रकार के हो सकते हैं, आपको एग्जांपल भी पता होने चाहिए कि किस देश का कौन सा सर्च इंजन जो है ये प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? जो बेसिक वर्क होता है कंप्यूटर का कौन सा नहीं? आपको पता है कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर इनपुट को एक्सेस करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो भी आप उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, इसको वो आउटपुट के रूप में आपको प्रोवाइड करता है। पहले आप रॉ मटेरियल के रूप में या कोई भी जो डेटा है उसको आप देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद वो उसको एक परफेक्ट डेटा या इन्फॉर्मेशन, आप कहते हैं डेटा नहीं कह सकते, आप उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में आप कंप्यूटर के थ्रू उसको आप ग्रहण करते हैं या आपको वो मिलता है। ठीक है, तो इनपुट एक्सेप्ट करता है वो, ये एक्सेस करता है। इसके बाद है डेटा को प्रोसेस करना। तो डेटा भाई, डेटा की जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी, आपने उसको कच्चा पदार्थ दिया, एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में आपने उसको डेटा दिया है। अब कंप्यूटर क्या वर्क करता है, उसको पहले प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको वो जो आउटपुट देता है, जो रिजल्ट देता है, वो एक इंफॉर्मेटिव डेटा के रूप में होता है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आप इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। रॉ मटेरियल का प्रयोग ऐसे ही नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब वो इंफॉर्मेटिव डेटा में चेंज हो सकता है। तो
डेटा एक्सेस डेटा प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना और डेटा को एक्सेस करना, ये चार देख लेंगे, चार कौन कौन से, इनपुट एक्सेस करना या इनपुट एक्सेप्ट करना, ये कंप्यूटर का आधारभूत कार्य है, ठीक है। और ये सभी क्रियाएं किसमें होती है, ये सभी क्रियाएं सीपीयू में होती हैं, ये भी आपको पता होगा। डेटा प्रोसेस होती है, डेटा को स्टोर भी किया जाता है, डेटा को एक्सेस भी किया जाता है। तो चौथा अगर पूछे, डेटा एक्सेसिंग करना, लेकिन टेक्स्ट को कॉपी करना ये इसका आधारभूत कार्य नहीं है, इसका बेसिक वर्क बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट कॉपी करना ये इसका आधारभूत कार्य नहीं होगा। कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि किस तरीके से आप इनपुट देते हैं, उसके बाद वो उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग किस में होती है, तो कंप्यूटर के सीपीयू वाले पार्ट में होती है, जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसको आप ALU कहते हैं, CU कहते हैं या फिर MU कहते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी जिसे आप MU के नाम से जानते हैं, कंट्रोल मेमोरी जिसे आप CU के नाम से जानते हैं, ALU जिसे आप अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, और बाद में वो उसको आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करता है या चेंज करके आपको प्रोवाइड करता है, जिसको आप यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेटिव डेटा जिसे आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है, ग्रुप कौन सा होगा और आउटपुट डिवाइस। आपने डिवाइसेस के बारे में पढ़ा होगा, कुछ डिवाइसेस जो होती है वो इनपुट डिवाइसेस होती है और कुछ जो डिवाइसेस होती है वो आउटपुट डिवाइसेस होती है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, या जो डेटा है, रॉ मटेरियल जो है वो आप कंप्यूटर को देते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। वहीं पर जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, तो जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलता है, अब वो हार्ड कॉपी के रूप में भी हो सकता है और सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी हो सकता है। अगर आप मॉनिटर की बात करते हैं, तो वो आपको केवल सॉफ्ट कॉपी के रूप, मतलब मॉनिटर के थ्रू आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आपने कोई भी कार्य, मतलब कोई भी कार्य अगर आपने कंप्यूटर में किया, कोई भी एक्सेसिंग की, तो वो आपको मॉनिटर पर स्क्रीन पर शो होता है, तो वो भी एक तरीके का आउटपुट है जो रिजल्ट देता है। इसके अलावा यहाँ पर हम पहले राइट आंसर देख रहे थे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ठीक है, डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों क्या है, ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस का ग्रुप है। स्कैनर कैसा है, इसमें प्रिंटर और मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस है, लेकिन स्कैनर कैसा है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैन करने के लिए आप स्कैनर का प्रयोग करते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। तो यहाँ पर मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। सी है माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। तो माउस इसमें देख रहे हैं आप कि ये इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड इनपुट दे पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बस क्या है, सभी इसमें आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्लॉटर है, प्रिंटर है और मॉनिटर है, तीनों ही क्या है, तीनों ही आउटपुट डिवाइसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निर्गम जिसे आप आउटपुट कहते हैं, कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। आपने प्रिंटर के बारे में पढ़ा होगा, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको अगर केवल एक का भी एग्जांपल याद है, तो आपको सभी प्रिंटर के नाम याद हो जाएंगे। प्रिंटर वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक ना एक बार पूछता ही है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको तीन को याद रखना है, तीन को सत्यजीत सर ने भी बहुत बार याद कराया होगा। तीन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो कौन कौन से हैं, तो तीन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो हो जाते हैं लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और एक होता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। नाम आप याद रखेंगे, एक होता है थर्मल प्रिंटर, एक होता है लेजर प्रिंटर और एक होता है इंकजेट प्रिंटर। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। इसके अलावा जितने भी प्रिंटर्स हैं वो सभी किसके एग्जाम्पल हैं, वो सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण के बारे में पूछा गया, मतलब लेजर के बारे में पूछा गया, रेज के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन में कि प्रकाश किरण का प्रयोग करता है, स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, किसके थ्रू होंगे, तो वो लेजर प्रिंटर के थ्रू होंगे। और लेजर प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, क्लियर है। और दो और है, एक है थर्मल प्रिंटर और एक है इंकजेट प्रिंटर। जहां आप इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर में डेजीविल प्रिंटर्स आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं, चैन प्रिंटर आता है, बैंड प्रिंटर आता है, ये सभी प्रिंटर्स आते हैं। और हाँ, आपको इंपैक्ट प्रिंटर जब आप पढ़ते हैं, तो ये भी दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर टू कैरेक्टर वो प्रिंट करता है, और लाइन प्रिंटर में लाइन बाय लाइन चेक करता है, लाइन बाय लाइन उसको प्रिंट करता है। इस वजह से उसका नाम क्या है, लाइन प्रिंटर, और कैरेक्टर प्रिंटर उसका नाम है। लाइन प्रिंटर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, तो लाइन
प्रिंटर में आते हैं, ड्रम प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर आता है और बैंड प्रिंटर आता है, ये सभी लाइन प्रिंटर के एग्जांपल्स है। वहीं पे जब आप बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर की, तो कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर्स आते हैं, ये सभी कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल्स है। और वो किसके हैं, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर के पार्ट हैं। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर के रूप में। इसके अंतर, इसके जो मतलब दोनों के बीच इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बीच अगर आप अंतर देखते हैं, तो जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर से थोड़े तेज़ गति से होते हैं, क्योंकि ये लेज़र के थ्रू अपना जो वर्क है ये कर पाते हैं और तेज़ गति से होते हैं। ठीक है, आपने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर किस तरीके से प्रयोग होता है, जैसे एक रिबन बना होता है उस, जैसे आपने टाइपिंग किया होगा कभी भी, तो टाइपिंग जब आप करते हैं जिस भी बटन को आप प्रेस करते हैं वो रिबन के थ्रू, वहाँ पे एक पतली पट्टी रिबन की बनी हुई थी जिसको आप प्रेस करते हैं वो तुरंत ही उस कागज़ पर जाता है, हैमर जैसा, मतलब एक तरीके से प्रहार कर रहा होता है वो कागज़ पर, उसके बाद वो वहाँ पर प्रिंट होता है। तो ये सभी कैसे होंगे, वो सभी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। आप टाइपराइटर को अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं प्रिंटर को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सिर्फ लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर का गुण कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ड्रम प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है और एक होता है चैन प्रिंटर, ये तीनों लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के, ये कॉमा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन, बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और एक होता है बैंड प्रिंटर। ठीक है, और ये किसके हैं, तो ये सभी इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर किसके एग्जांपल है, तो ये इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर से प्रिंटर से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह प्रिंटर जिस कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बन रहे हैं तो उसको आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे ना। यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, तो इम्पैक्ट के बिना बन रहे हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के तीन हमने देखा कि तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है लेजर प्रिंटर, एक होता है थर्मल प्रिंटर और एक होता है इंकजेट प्रिंटर। तीन केवल आपको याद रखने हैं, बाकी सभी आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सभी किसके एग्जाम्पल हैं, बाकी सभी एग्जाम्पल्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पूछा गया है निम्नलिखित में से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आपको पता है ये प्रोग्राम्स का एक समूह होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसके अंतर्गत आता है, आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स चाहिए, तभी वो कंप्यूटर जो है ये वर्क करेगा, प्रोग्रामों का समूह होगा। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ये प्रोग्रामों का ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है, या प्रोग्रामों का समूह होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर को भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उसको भी तो कुछ चाहिए ना, जिसके वजह से वो यूज़ वो अपना जो कार्य है ये कर सके। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये उनको कार्य करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए है लिनक्स, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी ओपन सोलारिस एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, जिसे आप शॉर्ट में OS कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लगभग 7 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, जिसमें रियल टाइम आता है, इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप कहते हैं, इसके अलावा मल्टीप्रोसेसिंग है, जो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से आप जिसे जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, टोटल 7 प्रकार के होते हैं, एक होता है एम्बेडेड, एक होता है रियल टाइम। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स होते हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा जो ऐसा यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है जो इसको कार्य, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। लिनक्स है जो कि सबसे पहला आप जैसे आप कह सकते हैं ना, विंडोज़ है, विंडोज़ तो आप खुद कैसे प्रयोग करते हैं, अभी विंडोज 10 की सीरीज चल रही है, आप विंडोज़ का प्रयोग करते हैं, और ओपन सोलारिस ये भी आप प्रयोग करते हैं। डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो, सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सभी के अपने अपने कार्य हैं। जैसे अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे कार्य करता है, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक मध्यस्थता या ब्रिज का कार्य करता है, जिससे जो कंप्यूटर है जिससे आप जुड़ पाते हैं। ठीक है,
और वहीं पे जब आप एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू कार्य किया जाता है उसमें। फिर इसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब जो एप्लीकेशन होते हैं जो सिक्योरिटी होती है वो आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आपको प्रदान करता है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है ये भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तीनों नामों को आपको याद रखना है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं। देखिए एडिटर्स और डीबगर, डीबगिंग आपने पढ़ा होगा, किसको डीबगिंग कहते हैं किसको डीबगर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, सी है यूटिलिटी के अंतर्गत, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एग्जाम्पल है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसके थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट होता है। किसी भी प्रोग्राम को कार्य करने के लिए, ऑपरेट होने के लिए, संचालित होने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, आप प्रयोग करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर कह दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, क्या सही है पूछा गया है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जिनका सोर्स कोड ओपन होता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसके लिए कोई पासवर्ड नहीं होता, आप इसको ओपनली स्वतंत्र तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आप ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्लियर है, Ubuntu, SUSE, Mandriva, Ubuntu या फिर Debian, फिर दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो Ubuntu का प्रयोग आप करते हैं, SUSE का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ Mandriva का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ Debian का भी आप प्रयोग करते हैं, तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम किसके हो जाएंगे, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इनका सोर्स कोड जो रहता है वो कैसा रहता है, स्वतंत्र रहता है, ओपन रहता है, इस वजह से इसका नाम क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। A2:A4 इंगित करता है, आपने एक्सेल पॉइंट, आपने एक्सेल पर कार्य किया होगा, MS Excel किस तरीके से कार्य करता है, तो आपको पता होगा कि जहां पर एक पंक्ति जिसे आप कहते हैं कॉलम और एक होता है रो जिसे आप कहते हैं, मैंने कह दिया, एक होता है पंक्ति और एक होता है स्तंभ, ठीक है, जिसे आप रो और कॉलम के नाम से जानते हैं, कॉलम को आप स्तंभ कहते हैं और रो को आप क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जैसे मैंने कहा एक स्तंभ है, ठीक है, और एक है पंक्ति, तो जिस भी एंड पर ये दोनों मिलते हैं, दोनों का मेल होता है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप सेल कहते हैं। आपने वर्क किया होगा एक्सेल पर तो आपने देखा होगा ये जो पॉइंट है ये कहलाता है सेल, ठीक है, वो एक एड्रेस को डिनोट करता है कि यहाँ पर क्या चीज़ जो है ये होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, A2 और A4 किसको इंगित करता है, तो A जो है ये बता रहा है, ठीक है, यहीं पर पहले 2 रहता और बाद में A रहता, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा A2 और A4 इंगित करता है, तो ये सेल A2 से सेल A4 तक को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, सेल A से सेल A4 तक को इंगित करता है। सेल किसको कहते हैं, तो जहाँ पर रो और पंक्ति मिलते हैं, बस इतना ही याद रखना है आपको, जहाँ पर रो और कॉलम्स मिलते हैं उसको आप क्या कहते हैं, सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पैराग्राफ एंडेड बढ़ाने के लिए खालिस्तान शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट कीज किस तरीके से प्रयोग में लाई जाती हैं, तो यहाँ पर पैराग्राफ एंडेड को बढ़ाने के लिए पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो, Ctrl+M का प्रयोग आप शॉर्टकट की में कैसे करते हैं, एम्बेडेड पैराग्राफ एंडेड को बढ़ाने के लिए करते हैं। Ctrl+I दिया गया, Ctrl+I का प्रयोग आप इटैलिक करने के लिए करते हैं, किसी भी जो भी आप लेटर लिखते हैं, जिस लेटर में आप लिख रहे होते हैं उसको इटैलिक करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, तिरछी लाइन के रूप में यह आपको दिखता है, वर्ड जो है ये तिरछे रूप में आपको दिखते हैं, जैसे आप इटैलिक कहते हैं। फिर है Ctrl+E, तो Ctrl+E का प्रयोग आप किस लिए करते हैं, Ctrl+E का जो प्रयोग है ये कंप्यूटर में कैसे होता है, तो जैसे पेज है ना, उनके बीच में मध्य में आपको कोई चीज़ फिर से ऐड करनी है या बीच में अगर आपको जाना है, तो आप इस Ctrl+E की का प्रयोग करके आप वहाँ पर जा सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन सी है Ctrl+L,
तो लेफ्ट के लिए अगर आपको किसी फाइल में लेफ्ट की ओर जाना है, किसी ब्राउजर में अगर आपको लेफ्ट की ओर जाना है, तो आप कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग करते हैं, या एमएस ऑफिस के किसी भी भाग के अगर आपको लेफ्ट हिस्से में जाना है आप कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पैराग्राफ इंडेंट को बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है जिसे आप सत्यापन कहते हैं। ऑप्शन ए एक्सेस की, लॉगिन की, लॉगआउट की या ऑथेंटिकेशन की। तो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है इसे आप ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है। देखिए एड्रेस या जो हमारे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप स्टैटिक आईपी कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को मतलब जो डेटा होते हैं आपके पास, जो भी चीज़ें अगर आपके कंप्यूटर में हैं उसको नियंत्रित करने के लिए या उसे दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, आप प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि जिसका हर रोज एड्रेस नहीं बदलता उसे आप स्टैटिक आईपी कहते हैं या स्टैटिक इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जुड़ने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जुड़ने के लिए आप प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जिसका एड्रेस हर रोज नहीं बदलता, हर आईपी का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, तो स्टैटिक आईपी जो है ये हर रोज नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एफटीपी जिसे आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, एफटीपी का उपयोग होता है, एफटी का उपयोग आप किस में करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए करते हैं या फिर इंटरनेट से जोड़ने के लिए करते हैं या फिर इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए। एफटी का पूरा नाम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए आप एफटीपी का प्रयोग करते हैं या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करते हैं। सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता, अपने आप नकल नहीं करता। ठीक है, कुछ जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं वो अपने आप ही नकल कर लेते हैं या कॉपी करने लगते हैं, जैसे वायरस। ठीक है, वायरस जो है ये कभी कभी आपको आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं इनको इतना हार्म कर देते हैं कि खुद से ही इसमें चीज़ें जो है वो कॉपी होने लगती है और स्वतः ही चीज़ें जो है वो कंप्यूटर को हार्म करने लग जाती हैं। जैसे आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा, कंप्यूटर में अगर आपको कोई चीज़ ऐड करना है, मान लीजिए मैंने किसी का पेन ड्राइव लाया, पेन ड्राइव मैंने अटैच कर दिया, अब पेन ड्राइव में पहले से वायरस है तो वो मेरे कंप्यूटर को हार्म करेगा, या मेरे कंप्यूटर में कोई अगर वायरस है तो वो पेन ड्राइव में चले गए तो वो उसको हार्म करेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता, खुद से क्या करता है, कॉपी नहीं करता, वो होता है ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, इसे आप क्या कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। बाकी वर्म और जो वायरस है ये कॉपी करते हैं, ये नकल करते हैं, लेकिन जो ट्रोजन हॉर्स है ये नकल नहीं करता। बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, जो हैकर्स होते हैं जो हैक कर लेते हैं डेटा को वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता अनिवार्य रूप से नहीं होती है। ऑप्शन ए है सीपीयू। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का होता है कंप्यूटर में तो वो सीपीयू का होता है, क्योंकि सीपीयू में ही सारे प्रोग्राम जो हैं ये एक्सेस होते हैं। कैसे एक्सेस होते हैं वो भी हमने देखा, पहले आप इनपुट देते हैं फिर सीपीयू में वो जाता है। सीपीयू के अलग अलग तीन भाग होते हैं, जिस तरीके से आपको वर्क चाहिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट होगा जो उसको नियंत्रित करेगा, साथ ही साथ मेमोरी होती है जो उसको स्टोर करके रखती है, बाद में आपको एक इन्फॉर्मेटिव डेटा प्रोवाइड करती है। तो इसका जो कार्य है ये सबसे अनिवार्य होता है। बड़ी मेन मेमोरी, तो ये भी सीपीयू का हिस्सा है मेन मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन सी अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल, तो ये भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, जिसे आप एसएसडी कहते हैं, इसका शॉर्ट में आप क्या कहते हैं, एसएसडी। ये उतना ज़्यादा अनिवार्य नहीं होता, स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। ठीक, सबसे स्मॉल स्टोरेज डिवाइस का अगर अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो वो होता है पीडी। ठीक है, पेन ड्राइव जिसे आप कहते हैं, तो ये भी एसएसडी ही है।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती किसकी सबसे ज्यादा, तो वो होती है छोटी स्टोरेज डिवाइस, या अगर आपको यहाँ पर SSD लिखा दिखे तो भी वो वही होगा, जिसे आप स्मॉल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। बाकी तेज CPU इसकी आवश्यकता तो सबसे ज्यादा होती है, एंड सी है बड़ी मेन मेमोरी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इनकी आवश्यकता होगी। और अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल इसकी भी आवश्यकता होती है, लेकिन बी है इसके बिना भी जो कार्य कंप्यूटर है वो वर्क करा अपना वर्क जो है ये कर सकता है, लेकिन बाकी अगर तीन नहीं है तो इससे कंप्यूटर जो है ये वर्क नहीं कर पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।